नमस्कार, आज मैं दो चीज़ों से लेकर आई हूँ बर्फ़ी की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी है, नवरात्र में आप बना कर रख दीजिए, 9 दिन तक व्रत के लिए खा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत खाने में लाजवाब है, जब चाहे तब तो बना कर खा लीजिए, लेकिन व्रत में सबसे इसको खाना ज़रूरी होता है। जैसे कि व्रत में अन्न नहीं खाते हैं, अब पहला दिन तो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैंने लिए 5 आलू, इसको उबाल दिए गैस पर झाड़कर, इसको छील लिया है। अब इसको हम ले लेंगे कद्दूकस, जिसे कसना गारंटी जाए इसको कसेंगे आलू को बारीक बारीक, तो जो मोटा वाला छेदा है ना उसी से हम इसको कस लेंगे आलू का, धीरे धीरे इसी तरह से सारा आलू घिस देंगे। इसे क्या होगा, गुठली उठली नहीं होता है, आलू एकदम अच्छा होता है इसे कसने से, मिस मैस कर दिए ना तो गुठली रह जाता है, तो अच्छा नहीं मिठाई बन पाएगा। इसी तरह से मैंने सारा आलू घिस दिया है, अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोग्रेस में। गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, इसी से बनाएंगे हम, ज़्यादा घी नहीं यूज करना है। 1 चम्मच घी डाल दिए कढ़ाई में, अब इसमें हम डाल देंगे आलू, इसको हम भूजेंगे 2-3 मिनट तक, भूज लीजिए इसको। बहुत टेस्ट मिठाई होता है, खाने में इतना अच्छा लगता है ना, व्रत में तो बना लीजिए, परख दीजिए, खाते रहिए, सुबह के टाइम में चाहे फलाहार में जब मन करे तब खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी। इसको 2 मिनट में भूंजा जाएगा, ज़्यादा देर नहीं चलता है, 5 मिनट में तो बर्फी तैयार हो जाएगा, 2 मिनट में इसको भून दीजिए। लटपट के चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से सड़ जाता है आलू। जैसे मैं चला रही हूँ इसी तरह से आप भी चलाइए, इसको भून लीजिए, 2 मिनट में भूंजा जाएगा। देखिए कलर भी चेंज हो गया पहले से। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, चीनी अपना हिसाब से आप डालिएगा, जितना रहो उस हिसाब से, मैंने इसमें अपने मिठाई के हिसाब से डाल दिया है 1 कटोरी चीनी। जब चीनी इसको मेल्ट हो रहा है, देखिए पिघल रहा है आलू में सारा, इसी तरह धीरे धीरे इसको पिघल जाएगा। अभी इसी के साथ इसको भूंजिए, चीनी के साथ है, सारा चीनी गल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ना तो कुरकुर लगेगा, सारा इसको पिघल गया चीनी आलू के साथ में, देखिए सब भूंजा जाएगा, साथ में गीला भी हो गया है। इसी तरह से इसको चलाते रहिए, भूनते रहिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, नीचे से सटेटा तले में, इसी तरह से इसे चलाते रहिएगा, नीचे ऊपर 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 से चला दीजिए ना तो सटेगा नहीं, नहीं तो सट जाएगा तो टेस्ट खराब होता है इसका। अब मैंने 1 गिलास दूध लिया था, 1.5 गिलास दूध था मेरे, जला कर उसको मलाई जैसा बना लिया है, उसको गाढ़ा कर दिया, वही दूध है 1/2 गिलास हो गया, 1.5 गिलास दूध था मेरा, उसको जाकर उस मैंने गाढ़ा कर दिया, वही 1/2 गिलास दूध है, उराबड़ी जैसा हो गया है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको हम काढ़ा करेंगे, मैंने एक थाली लिया है, उसमें घी घस कर इसको रख दीजिए, ऐसे कि मिठाई बनेगा तो इसी में हम पलटने वाले हैं, पलटेंगे। देखिए चला तेल रही है, इसको काढ़ा हो जाएगा, पहले से गाढ़ी हो गई है थोड़ा, पहले दूध अब बहुत ज़्यादा गीला था दूध, अब देखिए गाढ़ा हो गया, अब सूख रहा है, सब मेल्ट हो जाएगा एक में, इसी तरह से काढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें हम डालेंगे कुछ और सामान, थोड़ा देर के बाद अभी डालेंगे इसमें, यह नारियल का बूरा, नारियल का बूरा दा डालने से इसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। इसको हम चलाते रहेंगे तब डालेंगे, अभी 1/2 महीने डाली है, अब सारा डाल देंगे, दोबारा जो बचा था वो भी डाल दिए, इसको इसको हम मिला लेंगे, चलाते रहिए मिलाते रहिए, और काढ़ा हो जाएगा। देखिए पहले से दो अलग तरीके का हो गया ना,
अब इसी तरह से चलाइए, देखिए काढ़ा हो जाएगा गलने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे 4-5 इलायची, मैंने छील कर कूट लिया था, वही इलायची पाउडर है उसको भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये सब चीज़ डालने से। नहीं पहले से एकदम डोई काढ़ा हो गया, एकदम चेंज हो गया ना, पहले जैसा नहीं है, अलग हो गया है। एकदम मिठाई लाइक हो गया, देखिए एकदम अब इस तरह का हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा, तब इसको छोटे कढ़ाई छोड़ देता है, एकदम अलग तरीका का हो जाएगा, देखो एकदम सब मिल गया, काढ़ा हो गया। इस तरह का हो जाए ना तो समझ लिए कि हो गया मेरे डोई, जो कढ़ाई में डाला था थाली था उसी में मैंने डाल दिया है। अब इसको हम चम्मच की सहायता से, छुरी की सहायता से फैला लेंगे पूरा थाली में, तभी देखिए कैसे मैं फैला रही हूँ, चम्मच से आसान होता है। चम्मच में थोड़ा सा घी लगा दीजिए, फैला लीजिए, वो भी नहीं तो हाथ से भी फैला सकते हो चारों से। मैंने चम्मच से फैला दिया है इसको, चारों से चिकन हो गया है, चारों से फैल गए ना। अब गर्मे गर्म में काट दीजिए तुरंत, उसी तरह से मैंने उसी तरह से काट दिया है, पतला पतला ऊपर ऊपर काट दीजिए तो डिजाइन भी बन जाता है, ऊपर पूरा मैंने काटा है छोटा छोटा तो भी डिजाइन बनता है। अब इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तब हम उसको पीसेस निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो सब पीसेस निकल जाएगा। सब मिठाई बनकर तैयार हो गया, देखिए अच्छा लग रहा है ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखिए तोड़ कर दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।